अगर आप अभी भी अनसर्टेन हो तो आप डर या अनसर्टेनिटी के बेसिस पे डिसीजन मत बनाओ, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन बनाओ। अगर आपने ट्रांजिशन करने का सोचा है, रिसर्च दैट एरिया जहाँ पे भी आप करना चाहते हो कि आप रियलिटी चेक करो, आप डेटा के बेस पे, आप प्रूफ के बेस पे डिसीजन बनाओ वेदर दैट विल बी द राइट थिंग फॉर यू और व्हाट, नॉट बेस्ड ऑन फियर कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। वो तो आपके विल और मोटिवेशन का क्वेश्चन है, वो आप डेवलप कर सकते हो, but don't take decisions based on that fear and that uncertainty you have, because you'll end up regretting that decision later. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद इंस्पायरिंग लेडी मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं ओडिन स्कूल्स की। आप बहुत सारी टिप पाते हो डेटा साइंस, करियर ट्रांजिशन और वेबसाइट डेवलपमेंट और स्टूडेंट माइंडसेट ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ पे बात करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम श्रुति ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो श्रुति, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई ओडिन स्कूल के साथ? अभी हम बात कर रहे थे डेटा साइंस, करियर ट्रांजिशंस, काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं लोगों के जीवन के जो आप लोग टच कर रहे हैं, तो आपका इस एरिया में इंटरेस्ट कैसे जाता? इंडिया में बहुत सारे लोग भी, जैसे मैंने भी अपनी जर्नी इंजीनियरिंग से ही स्टार्ट किया, कॉलेज फिनिश किया, फिर इंजीनियरिंग में मुझे रियलाइज किया मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, पर तब तक डिसीजन हो चुका था तो इंजीनियरिंग तो कम्प्लीट की मैंने, ड्रॉप आउट ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि मेरे स्किल्स कौन से एरिया में है, मेरा एक्शन, मेरा एप्टीट्यूड किस तरह से अलाइन है। तो फिर मैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट पे या फिर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड के एस्पेक्ट पे और लिटरेचर बेसिकली उस पर मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से रहा है। तो फिर मैंने अपना ऑन्टरप्रीनरशिप जर्नी स्टार्ट किया था। पहले मैंने कॉन्टेंट डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, फिर कॉन्टेंट करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन रिलेटेड या ट्रेनिंग रिलेटेड कॉन्टेंट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। Okay. तो फिर वहाँ से स्किलिंग एरिया में एंट्री हुई, फिर वहाँ पे बहुत सारे कंपनी से भी बात हुई। तो तब उस दौरान मुझे समझ आया कि इंडस्ट्री में स्किल गैप बहुत है, मतलब कंपनीज का जो एक्सपेक्टेशन होता है स्किल लेवल का और स्टूडेंट्स जो कॉलेज से पढ़ के आते थे उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो दैट एरिया बिकेम अ इंटरेस्ट एरिया फॉर मी। फिर उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप किया, सीखा उसके बारे में, फिर वहीं से करियर हैज़ बी इन द स्किल्स। ओडिन स्कूल 2021 में लॉन्च किया था हमने, तब तक कंपनी सिंस 2021 और ओडिन स्कूल में भी वही करते हैं, वो इंडस्ट्री से बात करते हैं, समझते हैं कि ये किसके गैप किधर है, और फिर हम लोग लर्नर्स, अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं कि वो स्किल गैप को मैच कर सकें या कवर कर सकें। सो क्या लगता है आपको ये स्किल गैप क्यों रह जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली पूरा करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन है कि लोग आगे जाके अच्छी नौकरियाँ ले सकें। तो क्या कम्युनिकेशन गैप है जो करिकुलम बना रहे हैं उनमें और कंपनीज के अंदर? वेयर दिस डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड? दो तीन चीज़ों में होती है। फर्स्ट कि इंडस्ट्री जिस स्पीड से मूव होता है, कॉलेजेस या अकेडमिक इंस्टीट्यूशन उस स्पीड से मूव नहीं होते हैं इनसे करिकुलम अपडेट करने में। तो मतलब 5 साल पहले जो करिकुलम यूज़ हो रहा था, शायद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी वही करिकुलम यूज़ हो रहा है। तो बच्चे वो पुराने वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर को बहुत हद तक स्टडी लगते हैं थोड़े, लाइक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड ऑल, बट स्पेशली आईटी में और मेजॉरिटी ये नौकरियाँ तो इसी इंडस्ट्री में है। तो जो टेक्नोलॉजीज या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या जो वर्जन्स वो कॉलेज से सीख पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री में आउटडेटेड हो जाते हैं। तो अनलेस वो कुछ कॉलेज के बाद कुछ करें या फिर अपने आप इंटरेस्ट लेके कुछ करें अपस्किल करने के लिए, वो स्किल गैप रह जाता है। सो मेजर प्रॉब्लम इज कि इंडस्ट्री का स्पीड और कॉलेज का स्पीड मैच नहीं होता, तो उसकी वजह से मेजॉरिटी स्किल गैप आता है। दूसरा इसीलिए आता है ना, स्पेशली अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एप्टीट्यूड के हिसाब से हम लोग करियर चूज़ नहीं करते। हाँ, सबको मैथ ही करना है, सबको साइंस ही करना है। अगर इन दोनों में अच्छे नहीं हैं तो फिर दूसरे चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो यूजुअली दैट इज़ अ माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि भाई माई एप्टीट्यूड इज टूवर्ड्स क्रिएटिव थिंग्स, सो लेट मी डू, लेट मी हैव अ करियर इन द क्रिएटिव स्पेस, ऐसा नहीं सोचते। बहुत कम लोग सोचते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज शायद वो सोचते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसीलिए ऐसा होता है कि मुझे शायद मेरा माइंडसेट बहुत लॉजिकल नहीं है और मैं अपना करियर ऐसे फील्ड में बनाना चाह रही हूँ जहाँ पे लॉजिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं एक्सेल नहीं कर पाऊँगी, मैं एक एवरेज ही रह जाऊँगी हमेशा, कि वो मेरा नेचुरली माई माइंडसेट इज़ नॉट अलाइंड टुवर्ड्स what the company to me. But that is another area जहाँ पे स्किल या वगैरह आता है. True. Hard skills, technology skills सीखे जा सकते हैं easily compared to the other personality या the mental aspects. या तो मैं इसी पे ही आने वाला था कि जब हम skills की बात करते हैं तो किन skills जैसे hard skills आपने बता दिया, soft skill में क्या आप ज़्यादातर gap देखते हैं, किस जगह पे gap होता है ज़्यादा? Attitude main चीज़ होगी. Okay. आप कौन से एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, फिर इंडस्ट्री स्पेशली जब अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करती है उनको चाहिए कि बेसिक्स टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उनके, वो लोग उनके इंटरव्यू या फिर जो भी टेस्ट होते हैं दैट इज़ इनफ फॉर देम टू असेस, राइट. उसके ऊपर जो है व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी कि इसका एटीट्यूड कैसा है, अगर इनको हम लोग हायर करेंगे तो ये टीम के साथ जेल होगा नहीं होगा, अगर इसको कुछ नया सिखाने जाए तो वो सीखने की उसमें चाहत है नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस लर्नर, ऐसी चीज़ें जो होते हैं दोज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ना कि अभी हो गया, डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, अभी और सीखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ पैसे कमाएंगे, तो ऐसा रखता एटीट्यूड तो बहुत लोगों में होता है, विच इज़ अगेन प्रॉब्लम. वो इवॉल्व नहीं होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, स्टैग्नेंट कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी हो जाती है उनमें, मतलब वो क्यूरियोसिटी भी नहीं दिखती है, वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखती है कि नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तो ऐसे जो ब्लॉक्स होते हैं दैट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द अ लॉट ऑफ पीपल. और ये दिख के आता है इंटरव्यू में. तो क्या क्या आप लोग सिखाते हैं कि इंटरव्यूज़ में स्पेशली किन स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए? अगर आप 3-4 स्किल्स बता सकें जो सबसे ज़्यादा असेंशियल है, इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट दे हैव, अदर देन द असेंशियल स्किल्स दैट यू वर टॉकिंग. फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको वो सवाल नहीं भी आता हो तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है अभी, बट आई नो दैट अगर मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए तो मैं सीख के आ सकता हूँ इसके बारे में. दैट इज़ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आप हर सवाल का सही जवाब दो, इंटरव्यूअर भी वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो जानबूझ के ऐसे सवाल पूछते हैं जो आप यू विल नॉट नो दैम, सो दैट उनको, क्योंकि जब आप रियल इंडस्ट्री सिचुएशंस में काम करोगे आपको बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगे और ऐसा नहीं होता है कि हर प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सो वो स्ट्रेस सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव करते हो, दैट एस्पेक्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी. इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि आजकल सब कंपनीज मिक्सड कल्चर है, ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली में लोकेटेड है कंपनी तो सिर्फ दिल्ली वाले वहाँ पे काम करते हैं, या फिर हैदराबाद ही लोकेटेड है तो सिर्फ हैदराबाद के लोग वहाँ पे काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है, कल्चर बहुत मिक्सड होता है. तो आर यू एबल टू मिंगल विद ऑल दीज पीपल, राइट? वॉट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डू यू हैव? स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो या फिर अभी पैंडेमिक पे हमने देखा सडनली सब कुछ बंद हो गया, तो वो टाइम पे इवन इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस क्या आप इमोशनली हैंडल कर सकते हो, एंड इज इट अफेक्टिंग योर वर्क ऑन ऑन, ऐसी चीज़ें हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. अडेप्टेबिलिटी इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इंडस्ट्री इतना मतलब 2022 में इसको आपने सुना था चैट जीपीटी के बारे में या जेआई के बारे में, किसी को नहीं पता था. Yes. बट अभी तो ईमेल्स लिखने के लिए भी हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं बहुत ज़्यादा. एग्जैक्टली. सो अगर आप अडेप्ट नहीं हो पा रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ, इफ यू आर नॉट क्विक इन एजाइल इन लर्निंग, आई थिंक एजिलिटी अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पर आप अगर थोड़ा गाइड कर सकें कि हाउ दे कैन कल्टिवेट, if you can give some tips to kids. See, confidence doesn't happen in a day. मुझे लगता है कि confidence के लिए reality check होना चाहिए पहले, as in expectations पता रहने चाहिए. First, to have that confidence, आपको self analyze बहुत करना चाहिए कि मेरे strengths क्या हैं, मेरे weaknesses क्या हैं. Weaknesses नहीं बोलेंगे, areas of improvement बोलेंगे, क्योंकि perfect कोई भी नहीं होता है. तो अगर आपको पता है कि ये मेरे strengths हैं और ये है मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, दैट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि मुझे अपने आप पे काम कहाँ करना है. यू हैव टू सेट सर्टन गोल्स जहाँ पे आपको करना है कि ठीक है अभी मेरा प्रॉब्ली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मैं पैनिक कर जाता हूँ, तो अगले महीने में या 2 महीने में मैं अपने माइंड को कैसे कंडीशन करूँ कि मैं पैनिक ना हूँ इवन इन दो स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स और माइलस्टोन्स जब मीट करते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस इज अ इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग। आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो होते हैं, इवन इफ इट इज एज सिंपल एज आपने वर्कआउट का गोल लगाया, राइट, यू वांट टू वेट अप स्टैमिना, यू वांट टू स्टार्ट रनिंग फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि बाय द एंड ऑफ 1 मंथ कम से कम 2 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ना है मुझे, अगर वो गोल भी आप रीच कर लो तो दैट ऑटोमेटिकली बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने होंगे जिससे आपको खुद पे विश्वास आए कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। So over a period of time, and keep doing those things. Your mind starts believing कि वही हो सकता है, and that is confidence. दूसरा ये भी होता है कि इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर बात करूँ अच्छी, तो इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, आपके बारे में ही तो पूछेगा, सही बात, आपके रेज्यूमे में जो लिखा है उसी के बारे में तो पूछेगा, राइट। A lot of times हमने देखा है कि रेज्यूमे में मतलब इतना बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि you are kind of giving them food to ask you the wrong kind of questions. Hobbies में लिख देते हैं reading books, जब वो अभी होती नहीं उनकी reading books, तो एक भी सवाल अगर books के बारे में पूछ लिया तो the person lost. So these kind of things actually matter a lot. तो you understand what you are, you analyze what you are. These are my strengths, these are my weaknesses. जो आपके strengths है उसको project कीजिए आप, जो आपके आपको लगता है कि these are my areas of improvement. Don't have to project them. तो ये इसी सब की ट्रेनिंग होती है हमारे पास भी कि रेज्यूमे प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, आपका लिंक्डइन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपने स्ट्रेंथ्स प्रोजेक्ट करें, और जब आपके स्ट्रेंथ एरियाज के बारे में सवाल पूछते हो तो ऑटोमेटिकली यू आंसर वेल बिकॉज यू आर इन अ गुड स्पेस देन मेंटली आल्सो, यू नो दैट दिस इज वेयर आई एम स्ट्रांग, सो यू ऑटोमेटिकली आपका बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू आर गुड एट। और सेकेंड आपने यही पे बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उस पर और क्या काम किया जा सकता है, और ओडनी स्कूल्स में आप और इस पर भी काम करते हैं बच्चों के साथ में, या जो करियर शिफ्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ उनके AI पे भी काम करते हैं आप लोग? थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो करियर ट्रांजिशन करें, मतलब 5 साल 6 साल कभी कभी 10 साल तक एक ही इंडस्ट्री में काम करके अभी उन्होंने वो कॉल दिया है कि मुझे कुछ और करना है लाइफ, विच इज़ नॉट एन ईजी कॉल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर कोई 10 साल तक एक डोमेन में काम कर रहा है, मतलब उसका एक लाइफस्टाइल सेट है क्योंकि हर महीने उसके बैक में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आती है, प्लस उसके खर्चे भी फिक्स है, इतना उसका कार के EMI, अपना घर का EMI, इतना बच्चों का फीस, तो इनकम और आउटगोइंग दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न में है, करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अगर किसी को ट्रांजिशन करना है नो, इट्स लाइक एकदम एक अननोन डोमेन में जा रहे हो, फिर भी दे वॉन्ट टू मेक दैट मूव बिकॉज समथिंग इज नॉट हैप्पी विद दैट, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सिचुएशन, राइट। बहुत लोग आके बोलते हैं कि मैं ठीक चल रहा है अभी मेरा, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे पता है मैं इससे बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे करियर ट्रांजिशन करना है। या फिर ऐसे बोलते हैं आगे कि अब बस मुझे नहीं लगता है कि इस डोमेन में मेरा और ग्रोथ हो सकता है, मुझे बहुत आई फील लाइक आई एम स्टक, मुझे और ग्रोथ चाहिए इसमें, तो व्हाट एल्स कैन आई डू। इसीलिए आफ्टर दे मेक द कॉल्स थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, yes, कि अभी मैंने डिसीजन तो ले लिया बट सही है या गलत है, आगे क्या होगा पता नहीं। थोड़े लोग फिर सेकेंड दे कीप हैविंग दीज डाउट्स यानी कि ड्रॉप आउट हो जाओ या फिर शैल आई गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग, सो दैट मोटिवेशन एलिमेंट कॉन्स्टेंटली, तो वो इमोशनल बहचत बहुत होती है। सो विच इज़ वाई हमने एक कॉम्पोनेंट उसका भी इंक्लूड किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, फोकस ऑन वॉट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, रादर दैन फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स दैट विल ड्रॉ यू बैक। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप फोकस करो कि ये प्रॉब्लम है अभी, ये मुझे पीछे खींच सकता है, तो इसको ओवरकम कैसे करूँगा, कम अप विद सोल्यूशंस, फोकस ऑन सोल्यूशंस रादर दैन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। वर्किंग प्रोफेशंस होते हैं हमारे क्लासेस, ये कैंप्स पे चलते हैं ताकि यू नो इट्स वेरी एक्टिव टुवर्ड्स वर्किंग प्रोफेशन, सो ऑल लाइव सेशंस हैपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो मोस्टली नाइट आवर्स में होते हैं, नाइट आवर, तो डिफरेंट बैचेस चलते हैं, बट 2-3 बैचेस चलते हैं जिनको जो कन्वीनियंट है उसमें आके ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाता है कि मंडे टू फ्राइडे आप काम कर रहे हो, फिर सैटरडे संडे आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपको अनवाइंड करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। सो दैट बिकम्स अनदर एरिया वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट गेटिंग डिमोटिवेटेड। बट उन्होंने एनरोलमेंट इसीलिए किया है क्योंकि वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है, उनको निकलना है वहाँ से बाहर। ट्रू। तो इसीलिए हमारा टीम बहुत सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को कि वो डीमोटिवेट ना हो। वी कीप टॉकिंग टू देम रेगुलरली। ठीक है, मैं ऐसे क्लासेस भी होते हैं वेयर वी डोंट जस्ट टॉक टेक्नोलॉजी, वी टॉक लाइफ। अगर मुश्किल हो रही है तो आप डरो मत, आप अपना वी फिक्स देयर स्केड्यूल्स, या आप ऐसे प्लान करो अपना डे। वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस रादर देन दोज एरियाज दैट आर स्केयरिंग। तो ऐसे करके lot of success stories have come on, and that is extremely satisfying for us. How do you break their comfort zone? Because I think that could be the biggest obstacle जो वो face करते होंगे, क्योंकि तो हम कहते हैं लोग सबवर्जन की state में ज़्यादातर ह्यूमंस रहते हैं। तो ऐसी में आप क्या frameworks यूज़ करते हैं उनके comfort zone को break करने के लिए? How exactly transition में आप मदद करते हैं? जब कुछ simplified वे में आप बता सकें। See, एक अच्छी चीज़ ये है कि जब उन्होंने decide कर लिया है ट्रांसिशन करने का, तो वो और एक्चुअली एक हद तक कंफर्ट जोन ब्रेक कर चुके हैं। अगर उन्होंने वो कंफर्ट जोन ब्रेक ही नहीं किया तो वो आके एनरोलमेंट ही नहीं लेते इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। सो सम टू सम एक्सटेंट लोग वो पार कर चुके, वो इनिशियल बैरियर वो पार कर चुके हैं। हमारा ये है कि वो मोटिवेशन लूज ना करे। फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि ट्रांसिशन करते हैं हम लोग पूरे सेशन या जो भी टेक्नोलॉजी से बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट मंथ स्पेशली इट्स ऑल बेसिक सो दैट दे गेट कंफर्टेबल विद इट। तो उनको तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई आई कैन डू दिस, यू नो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। देन ग्रेजुअली वी कीप इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल और इन डेप्थ इन दिस टेक्नोलॉजी। तो ऐसे करके उनका बहुत एक स्मूथ ट्रांसिशन प्लान करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से ही उनको प्रेशर कुकर में बिठा दिया, फिर वो लोग सेकेंड मंथ में डर गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे से करिकुलम भी प्लान किया गया है। और एक चीज़ जो हम लोग करते हैं, एवरी वीक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके हमारे स्टूडेंट से बात करते हैं। अच्छा। एवरी फ्राइडे ओडिन स्कूल जिसने वो ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री से, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके बात करते हैं और वो लोग उनको एक बहुत अच्छा सा रियलिटी चेक देते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है तो आप ऐसे प्रिपेयर करो। और हमारा प्रोग्राम 1 महीने 2 महीने का नहीं, 6 महीने का है। ओके। सो बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑल्सो स्टूडेंट्स हैव द टाइम टू यू नो ग्रेजुअली गेट इनटू दैट ट्रांजिशन। दैट इज अनदर वेरी बिग एडवांटेज। तो इसीलिए बहुत लोग आके पूछते हैं कि ऑनलाइन में जैसे कोर्स है और यूडेमी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। Yes. तो उसमें और आप में डिफरेंस क्या है? Right. तो आप देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनका कोर्स कंप्लीशन रेट 10-15% से ज़्यादा नहीं होता है। 100 लोग एनरोल कर रहे हैं तो 10-15 लोगों से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। Right. क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन कीप अप करने वाले हैं वो सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए वो मिसिंग रहता है। तो इन लोगों को यू नो याद दिलाते रहना चाहिए पड़ता है कि भाई यू नो रिमेंबर व्हाई यू मेड दिस ट्रांजिशन, यू व्हाई डू यू वांट गो बैक, यू हैव एनीवे टेकन द फर्स्ट स्टेप सो कीप गोइंग फॉरवर्ड। जनरली क्या ट्रेंड आपने देखा है कि ज़्यादातर किस एज पे आके या कितने साल काम करके लोगों में रियलाइजेशन आने लगता है आई एम नॉट मेड फॉर दिस, एंड व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेस कि जिसकी वजह से लोग ट्रांजिशन करना चाहते हैं? जैसे कुछ आपने कहा कि ग्रोथ नहीं मिल रही है या मुझसे वो पर्पस मीनिंग नहीं मिलता है, सो क्या उनको ट्रिगर करता है ट्रांजिशन के लिए? और जनरली किस एज में या फिर कितने ड्यूरेशन में लोगों को ये रियलाइजेशन आने लगता है? इन जनरल हमारे कोवर्ट्स में जो ज्वाइन हर महीना एक कोवर्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड यूजुअली 400 to 500 पीपल एनरोल इन एवरी कोवर्ट एवरी मंथ। तो मेजॉरिटी पीपल आर इन द 2 years to 5 years एक्सपीरियंस रेंज। वन ऑफ द रीजन्स इज इंडिया हैज समहाउ अनफॉर्चुनेटली बिकम्स अ बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लाइक इतने सारे BPOs हो गए, इतने सारे बैक एंड फंक्शंस हो गए। इंडिया पे से पिछले 20 साल में अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट पिछले 20-25 साल में आप देखो ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं निकले हैं इंडियन इंडस्ट्री से। हम लोग ज़्यादा ही सर्विस बेस्ड कंपनी बन के रहेंगे। तो दैट सर्विस बेस्ड कंपनी इज़ नॉट अ वेरी एक्साइटिंग जॉब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट कॉलेज प्लेसमेंट ज़्यादा उसमें होते हैं, या बिकॉज वो एरियाज़ में मास हायरिंग होती है वहाँ पे ज़्यादा ईजीली मिल जाता है। स्किल एक्सपेक्टेशन भी लो रहते हैं ऐसे जॉब्स में। तो इट इज़ ईजियर टू गेट जॉब्स इन दीज एरियाज़। एंड कॉलेज ख़त्म करने के बाद मोस्ट पीपल वांट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। एंड बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मुझे फ्यूचर 10 साल बाद क्या बनना है, ऐसा नहीं सोचते। उनको है कि भाई कॉलेज ख़त्म हो गया, अभी मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, गाड़ी पहननी है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल चाहिए, इसी में बैठना है, यू नो, और दैट इज एक्सपेक्टेशन विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव। तो ऐसे करके जॉब मेंटल हो जाते हैं, बट 1 साल 2 साल के बाद रियलाइज़ होता है कि जितना रोज़ी दिख रहा था बाहर से उतना रोज़ी है, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी मॉडर्न जॉब्स। सो दैट इज मेनली द ट्रिगर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। थोड़े लोगों को 2 साल बाद रियलाइज होता है, थोड़े लोगों को 5 साल बाद रियलाइज होता है। तो इसमें जो आप मतलब क्या मदद करते हैं कि व्हाट इज द राइट थिंग फॉर देम, बिकॉज मे बी दे कम टू यू आफ्टर दैट दे अगेन फील लाइक आफ्टर 2 years ऐसे भी बेटर होता है कि वो आए और फिर वापस कोई नई चीज़ करी उन्होंने, 1 साल 2 साल फिर बोर हो गए, फिर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? और या फिर यू गाइस हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क और कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क टू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई एंड दिस इज द बेस्ट सुटेड थिंग फॉर यू एंड यू शुड मेक ट्रांजिशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो डेटा साइंस ऐसा फील्ड है जिसमें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अकोमोडेटिंग फील्ड है। अगर आपको हार्डकोर प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी है तो उसके लिए स्पेस है इन द फॉर्म ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। ओके, ठीक है। अगर आपका बहुत प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आपका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है but you don't like coding, so there is a field called data visualization, जिसमें आप data visualization tools सीख के आप उसी field में can build a career for yourself। फिर data analyst होता है। So ऐसे करके अलग अलग job roles होते हैं within data science itself। And हर एक का अपना अलग अलग growth path होता है। Starting off as data analyst, then you can go on to become, you know, ML machine learning सीख सकते हो, उसके बाद आप artificial intelligence। So there's a growth path for everything। So हम लोग students को we guide them कि you know, based on your aptitude, based on your skill sets, these are the different career options available for you within data science। Within data science, you are providing the options। There are different options, Python, SQL or Python सीख के and there are some more technologies which are like cloud and all that जो data engineering के is real। So ऐसे अलग-अलग flexible field है they are, so that works। तो during this transition phase कितनी mental emotional states, किस प्रकार के mental emotional states आप लोग देखते हैं जिससे लोग गुजर रहे हैं? So first is uncertainty होती है कि मैंने decision को ले गया, सही लिया नहीं लिया पता नहीं, और डिसीजन हमेशा रेट्रोस्पेक्ट में क्लैरिटी फील बनते हैं। व्हेन यू टेक द डिसीजन यू डोंट नो हाउ इट्स गोइंग बैक, सो अनसर्टेनिटी होती है। सेकंड इज क्योंकि उनका एक लाइफस्टाइल सेट होता है, स्ट्रेस होता है बहुत, क्योंकि एक ट्रांजिशन करो, एक कंफर्ट जोन से दूसरे फील्ड में ट्रांजिशन करो तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। फियर होता है कि कैन आई डू इट और नॉट, स्पेशली अगर नॉन आई टी से आई टी में पहले कभी तो बहुत होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमने देखा है इट इज़ नथिंग बट वो जो डिज़ायर है, इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि मुझे इसी में फ्यूचर बनाना है। सो वो जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है दैट नेगेट्स ऑल दी अदर फियर्स एंड एवरीथिंग दैट दे हैव, सो दैट वर्क्स। सो अनसर्टेनिटी होती है, स्ट्रेस होता है, फियर होता है, और एक होता है पीयर प्रेशर। यू नो, पीयर प्रेशर भी बहुत होता है कि मेरे फ्रेंड्स आगे निकल रहे, मैं पीछे रहूँ। ये तो बहुत देखने मिलता होगा बिकॉज आज का सोशल मीडिया आने के बाद तो सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देख करके लोग बहुत, ये भी ट्रांजिशन का ट्रिगर हो सकता है, हो सकता है ऐसा आता है। बिकॉज यू नो 5 साल काम करने के बाद फ्रेंड्स ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद लिए, मेरा अभी तक गाड़ी भी खरीदी, मैंने घर भी नहीं आया, तो वो प्रेशर बहुत होता है। पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर की क्यों हम फैमिली प्रेशर इतना होता है, यू नो, कंपैरिजन विद अदर्स, कंपैरिजन विद रिलेटिव्स, कंपैरिजन कि ये यूएस पहुंच गया, आप अभी तक यहीं पे हो, दैट बहुत ज़्यादा होता है। पोस्ट है ना, इसका इतना पैकेज हो चुका है, आप क्या कर रहे हो, मतलब ना 3 साल में कम से कम पहुंच गया, आप 5 साल के बाद नहीं। सो ऐसे सोसाइटल, इट्स अ कल्चर आई थिंक बिल्ड इनटू द सोसाइटी, तो वो बहुत प्रेशर होता है उन पे। सो ऑल दीज आर द बैगेज दैट दे कम विद। Again, you guys properly teach them, counsel them, maybe you guys conduct workshops where we help them to get over this. ऐसा होता है कि it is not, we cannot address this issue specifically. Okay. मतलब program holistically जब उनको you know 1 month 2 months के बाद पता चलने लगता है कि I'm able to cope up with this, I'm able to learn new technologies, जब वो खुद realize होता है उनको, then all these fears gradually keep going out. So ऐसा भी है कि एडिशनल सपोर्ट अगर चाहिए उनको सेशंस के बाद, अगर हम लोग स्पेसिफिक डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री स्पीकर्स आके बात करते हैं एनजीओ से, वो लोग डायरेक्टली इंडस्ट्री स्पीकर से बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, दे कैन आस्क दैट क्वेश्चंस. ये लोग एक्चुअली उनके रियल अभी जो वो अपने इंडस्ट्री में जो केस स्टडीज या प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे. अ लॉट ऑफ टाइप्स फियर इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो. मतलब हम लोग इतना इमेजिन कर लेते हैं ना अपने आप में जो सच भी नहीं होता है बहुत हद तक. वी जस्ट इमेजिन टू मेनी थिंग्स जिसकी वजह से वो फियर सेट इन हो जाता है. तो ऐसे ही जब उनको इंडस्ट्री के बारे में रियलिटी दिखाते हैं तो उनको लगता है कि भाई इतना मुश्किल नहीं है जितना हम इमेजिन कर रहे, इतना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, समथिंग आई कैन. तो मल्टीपल वेज में हम लोग उनको ये यकीन दिलाते हैं कि आप कर सकते हो. So that is how gradually it works. Also, we get a lot of people, especially women, who have career gaps. That is another area that people come to us with. You know, maternity leave. Maternity leave actually 6 महीने के लिए देते हैं, वो कभी कभी 5 साल 10 साल extend हो जाती है. बहुत होता है, बहुत गैप आ जाता है. And then you know they are working, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर husband moves somewhere else, they move with the husband, and by the time they restart their career, it's another 5 years or 10 years. ऐसे gaps के we get a lot of students who have these kind of gaps also. तो उनका mental state कुछ और ही होता है, क्योंकि last they worked in the industry और अभी जो industry है मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है. There's nothing similar. उन्होंने जो टेक्नोलॉजी सीखी थी वो तो कम्प्लीटली आउटडेट हो ही चुकी है. कल्चर भी पूरा बदल गया है, जिस तरीके से कंपनीज काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से काम कर रहे हैं वो टोटली बदल गया है. तो उनको भी हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं. इट वी अप्रीशिएट देम अ लॉट, क्योंकि यू नो 5 साल 10 साल गैप के बाद फिर से द थॉट की फिर से मुझे अपना करियर लॉन्च करना है, वही बहुत मतलब करेजियस डिसीजन. एक फिर मेरे ख्याल से इसमें विमेन के लिए तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आता होगा कि उन्हें दोनों जगह बैलेंस करना है, घर भी बैलेंस करना है, प्रोफेशनली भी बैलेंस करना है. सो वो बैलेंस आप कैसे सिखाते हैं उन्हें? हाउ डू यू काउंसल देम ऑन दैट, बिकॉज़ आई थिंक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर देम. अगेन मोस्ट ऑफ दी सेशंस आर डन बाय एक्सपर्ट्स. ओके, एक्सपर्ट्स कम एंड टॉक टू देम अबाउट ऑल दिस टाइम. जब वो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना कि मुझे रीलॉन्च करना है, तो वो लोग फिगर आउट कर लेते हैं अपने सोल्यूशंस. तो सिर्फ बेसिकली दे नीड अ सपोर्ट सिस्टम, उनके घर में हो या उनके फैमिली में हो. अगर कोई सपोर्ट सिस्टम है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो लॉट ऑफ पीपल डू इट. सो दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट इशू. द बिगेस्ट इशू इज इंटरनली जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई इतना लंबा गैप आ गया. बट अच्छी चीज़ ये है कि कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी अलॉट. मतलब दे आर वेरी वेरी रेडी टू टेक बैक वुमेन हू हैव टेकन अ करियर गैप. तो स्पेसिफिकली मतलब हम लोग बहुत फैक्टर कंपनीज के साथ काम करते हैं, गिव स्टूडेंट्स जॉब्स टू कंपनीज. तो वो लोग स्पेसिफिकली आके बोलते हैं, डू यू हैव विमेन विथ करियर गैप? हमारा वी हैव अ मैंडेट कि हमको इतने विमेन हायर करने हैं वो आर मेकिंग अ रीलॉन्च कर रहे हो करियर. सो इंडस्ट्री में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर विमेन हू वांट टू रीलॉन्च. तो सोसाइटल सपोर्ट सिस्टम होता है, अभी इंडस्ट्री में भी बहुत सपोर्ट सिस्टम है उनको. तो जस्ट द इंटरनल फियर जो है, कॉन्फिडेंस इशू जो है, अगर वो ओवरकम करने वो लोग तो फिर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं. आप खुद कैसे बैलेंस रखती है अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को किस तरीके से बैलेंस करती है? वो प्रायोरिटाइज करना होता है, कॉलेज के टाइम पे क्या करना है. बस हमारा वर्क लाइफ बैलेंस इसीलिए बिगड़ जाता है क्योंकि हम लोग घर में बैठ के ऑफिस के बारे में सोचते हैं, ऑफिस में बैठ के घर के बारे में सोचते हैं. सबकी यही कहानी है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं. ऑफिस में ऑफिस का काम करो, घर में घर का काम करो, तो बैलेंस हो जाता है एक्चुअली. सो ट्रू. और एक चीज़ है ना कि वी एंड अप पोस्टपोनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो इतना एक्यूमुलेट हो जाता है ना कि देन दैट इज व्हेन योर बैलेंस स्टार्ट्स गोइंग आउट. The other very important thing in maintaining work-life balance is keep physically fit. Yeah, that's so true. वो बहुत especially मैंने देखा है working professionals नहीं करते हैं. तो that physical fitness also contributes to your work-life balance. अगर सुबह 5 बजे उठ के आप 10 किलोमीटर का दौड़ लगा के आओ, उसके बाद आपका दिन पूरा जितना भी स्ट्रेस हो आप हैंडल कर सकते हो. Your kind of the entire mind and body awakens. बट अगर आप रात के 2 बजे तक काम कर रहे हो, फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो एक लेथार्जी आ जाती है बॉडी के अंदर. तब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी बड़े बड़े लगने लगते हैं. तो इट इज़ ऑल इन द वे हाउ योर यू नो स्केड्यूल, अपना बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो सरकारी क्लॉक जिसको बोलते हैं उसको सेट रखना चाहिए. योर बॉडी नोज व्हेन टू शट डाउन, व्हेन टू वेक आउट. बहुत सारे लोग स्लीप को बहुत इग्नोर करते हैं, खाना खाते हैं पर सोते नहीं ठीक से. You know, food becomes the thing. Nutrition is everything to keep fit, but sleep is also very important. So ये सब balance करना होता है. और work-life balance अलग अलग लोगों की अलग अलग है. ऐसा कुछ formula नहीं है कि you know सबको इतने घंटे काम करना चाहिए, इतने घंटे घर पे बिताने चाहिए. There's no formula. You have to figure out for yourself what is balance. और data science की हमने काफी बीच में बात करी, तो क्या कोई भी data science सीख सकता है? What is the future? Data science जैसे मैंने कहा उसमें बहुत सारे job roles होते हैं, बहुत अकोमोडेटिंग स्पेस है. अगर आप दो तीन चीज़ें होनी चाहिए. पहले थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है उसमें, तो अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका माइंड एक लॉजिकल वे में काम करता है, अगर आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, तो डेटा साइंस इज़ अ गुड स्पेस फॉर यू. इवन इफ़ यू डोंट नो प्रोग्रामिंग, अगर आपको जीरो कोडिंग आता है, बिल्कुल कोडिंग भी नहीं किया आपने कभी भी ज़िंदगी में, फिर भी आप डेटा साइंस सीख सकते हो. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. Data science is open. It is a kind of very accommodating field. अभी आप देखोगे अभी जितना डेटा अवेलेबल है हमारे पास, शायद पिछले ह्यूमैनिटी के स्टार्टिंग से उतना डेटा कभी अवेलेबल नहीं था. The amount of data जो हम लोग पर डे जनरेट करते हैं इतना ह्यूज, मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं हम लोग एवरी डे. सो दिस डेटा बिकम्स अ ट्रेजर फॉर कंपनीज. इट इज़ लाइक गोल्ड. डेटा इज़ गोल्ड क्योंकि उस डेटा के बेसिस पे कंपनीज अपने डिसीजंस बनाते हैं कि आगे बिजनेस का फ्लो कैसा रहना चाहिए, कैसे नए प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च कर लें तो कस्टमर बेस को कैसे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं. इतना डेटा अवेलेबल है अभी हमारे पास कि कंपनीज आर यूजिंग दैट डेटा टू मेक गुड डिसीजंस. रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस. विदाउट रिस्क तो बिजनेस होता नहीं है, बट वो रिस्क भी आप बेटर कैलकुलेट करके ले सकते हो जब आपके पास डेटा प्रूफ है. बेसिकली डेटा इज़ गिविंग यू सम प्रूफ. अगर आपको ज्योग्राफी में एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ का डेटा आप एनालाइज करके देख सकते हो कि डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वहाँ के लोग जो हैं कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा हैं, या उनके परचेज प्रेफरेंस क्या है. तो इतना सब कुछ डेटा जब अवेलेबल है तो कंपनीज मोर एंड मोर आर शिफ्टिंग टू डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग. और वो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है. सो द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस इज़ वेरी वेरी ब्राइट. Because every company is getting into this. There are lots of jobs available in this space as well. That is one part of it. Second part is हर एक industry में AI बहुत चल रहा है, whether it is retail or health. Revolution है और जगह mental health तो चाहिए. Everywhere. Mental health के कितने AI-based apps हैं मुझे नहीं पता whether how well they work. But like इतने सारे apps आ गए हैं even in the mental health space, even in pharma, whatever industry that you talk about. तो AI कैसे चलता है? एक मशीन अपने आप से तो नहीं सोच सकती है. You're programming it to think in a particular way. But basically वो data analyze करके ही decision देंगे आप. तो ऐसा है कि अगर आप गलत data feed कर रहे हो तो artificial intelligence will not work. आपको पता रहना चाहिए कि data को clean कैसे करते हैं. जब डेटा आपको रॉ डेटा जब आप मार्केट से निकालते हो तो रॉ डेटा को पहले क्लीन करना पड़ता है, उसको एक फॉर्मेट में डालना पड़ता है, उसको एक उसको एक सेट करना पड़ता है, उसके बाद उसको एल्गोरिथम में फीड किया जाता है. देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस दैट गोज बिफोर एआई स्टार्ट्स वर्किंग. तो बहुत सारे स्टेजेस पे डेटा एनालिस्ट डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी. और जब तक एंड एआई इज़ द फ्यूचर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो जब तक डेटा है, जब तक एआई है, तब तक डेटा साइंस विल बी देयर. डेटा व्हेन आई से डेटा साइंस आई मीन डेटा एनालिस्ट्स, डेटा इंजीनियर्स, डेटा विजुअलाइजर्स, ऑल दीस. So before we move to the rapid fire, any 2-3 lessons that you want to give to people who are thinking of transition but शायद वो करेज नहीं है उनके पास में, तो क्या आप लेसन उन्हें देना चाहेंगे? The first thing, अगर ट्रांजिशन का सोच रहे हैं तो the sooner the better. So that is one thing. आप जितना postpone करोगे, the industries will get that much more competitive. If you are anyway not happy with what you have right now, it is better that you get out of it sooner rather than being that unhappy state for some more time. Industry अभी open हो रही है, industry में jobs भी बहुत सारे आ रहे हैं अभी. So this it's a good time, you know, for that to make a transition. Second thing is, अगर आप अभी भी uncertain हो तो आप डर या अनसर्टेनिटी के बेसिस पे डिसीजन मत बनाओ, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन बनाओ। So true. अगर आपने ट्रांजिशन करने का सोचा है, रिसर्च दैट एरिया जहाँ पे भी आप करना चाहें कि आप रियलिटी चेक करो, आप डेटा के बेस पे, आप प्रूफ के बेस पे डिसीजन बनाओ वेदर दैट विल बी द राइट थिंग फॉर यू और नॉट, नॉट बेस्ड ऑन फियर कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। वो तो आपके विल और मोटिवेशन का क्वेश्चन है, वो आप डेवलप कर सकते, बट डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट फियर एंड दैट अनसर्टेनिटी यू हैव, बिकॉज यू एंड अप रिग्रेटिंग दैट डिसीजन लेटर। आप 10 साल बाद लौट के देखोगे, बोलोगे कि भाई करना चाहिए था, एक स्टेप ले लेना चाहिए था वो टाइम पे, तो वो नहीं करना चाहिए। डेटा के बेस पर अगर आपको लगता है कि स्लॉट इज गुड फॉर यू, देन डोंट गो अहेड विद इट, बट नॉट बेस्ड ऑन फियर एंड अनसर्टेनिटी। And if you're certain that this is a good thing for you, do it now. Do it. Yeah. Loved it. It was beautiful conversation, Shruti. काफ़ी I think लोगों को courage मिला, काफ़ी clarity इस topic पे मिलेगी लोगों को. So now we move to the rapid fire. Let's go for it. So now we are starting rapid fire with Shruti. हर एक person को अपने career transition को significantly impact करने के लिए कौन सा skill सीखना चाहिए आपके हिसाब से? Flexibility, adaptability, and basics of AI. Career transition के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आप अभी के अभी डिबंक करना चाह रहे हैं? मैं नए ट्रांजिशन में I will not be successful. I have even my comfort zone. अगले 5 सालों में कौन सा करियर पाथ बूम करने वाला है और क्यों आपकी नज़र में? AI बूम करने वाला है और AI से रिलेटेड दूसरे फील्ड्स जो हैं इंक्लूडिंग डेटा साइंस वो बूम करने वाले हैं। जो लोग अपने पैशन को फॉलो करने से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से डरते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अपस्किल करना है, फॉर एग्जांपल आपको EMI फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, तो बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज मोर ऑफ एन एक्सक्यूज रादर देन अ रियल प्रॉब्लम, तो वो नहीं सोचना चाहिए। फाइनेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। करियर ट्रांजिशन का असली चेहरा क्या है? The good, the bad और the ugly. It's the beautiful. जब कोई अपना करियर स्विच करना चाहता है तो फैमिली के डाउट को आप कैसे हैंडल करते हैं? करके दिखाइए। 6 महीने 8 महीने जितना टाइम लगता है आप हैंडल कीजिए, बट उसके बाद वो भी खुश हो जाएंगे। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके करियर ट्रांजिशन ने आपको इंस्पायर किया हो? आप स्टूडेंट्स में करियर इंडिसीजन को कम करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में आप क्या लॉ एड करना चाहेंगे एंड क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? करियर काउंसलिंग 8th, 9th, 10th क्लास में मैंडेटरी करना चाहिए, और करियर काउंसलिंग ही नहीं स्किल मैपिंग करना चाहिए कि उनको पता चले कि उनके इनहेरेंट स्किल्स कैसे हैं, कौन से हैं, और वो स्किल से अलाइन करियर ऑप्शंस क्या हैं। अपने पैशन और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के बीच में कई बार लोग प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं, इस डिलेमा को कैसे हैंडल किया जा सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि फैशन को छोड़ देना चाहिए। फैशन माइट और माइट नॉट बी अ करियर, इट कैन ऑलवेज बी समथिंग दैट गिव्स यू पीस एंड कंफर्ट, डजंट हैव टू गिव यू कमर्शियल वैल्यू, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनवर्ड।